फिरोजाबाद में एक किसान ने अपने खेत में किन्नू के पौधे लगाकर बड़ी कमाई की है, जिससे वह लाखों रुपए कमा रहे हैं। किन्नू का पौधा एक बार लग जाने के बाद किसान उसे बड़ी मात्रा में लाभ कमा रहे हैं और उनकी कहानी से हम कुछ सीख सकते हैं। फिरोजाबाद के एक गांव में खेती करने वाले किसान ने 3 बीघा खेती में किन्नू के पौधे लगाकर एक बाग तैयार किया है, जिससे उन्हें बड़ी मात्रा में आय आ रही है। किसान बताते हैं कि किन्नू के पौधे लगाने के बाद 3 साल तक उन्हें उनकी देखभाल करनी पड़ी और इसके बाद उन्हें लाखों रुपए की कमाई होने लगी। वह पहले अपने खेत में सरसों और गेहूं की खेती करते थे, लेकिन इससे उन्हें ज्यादा आय नहीं होती थी। एक दिन किसी ने उन्हें किन्नू की खेती की सलाह दी और उन्होंने इस सुझाव पर अपने खेत में किन्नू के पौधे लगाए। किसान ने बताया कि किन्नू के पौधे लगाने के बाद उन्हें पौधे की देखभाल करनी पड़ी और 3 साल तक उन्होंने उसकी देखरेख की। इसके बाद जब पौधे पूरी तरह से विकसित हो गए तो उन्हें लाखों रुपए की पैदावार मिलने लगी। ये किन्नू है जो जूस के काम में आता है और इसमें बहुत अच्छी पैदावार होती है। ये इस तरीके का दिखता है जैसे मौसमी होती है, संतरा मौसमी की टाइप का होता है, बिल्कुल सेम आदमी ये समझे मौसमी है। ये हमने 3 बीघा खेत में लगाई है। इसकी पैदावार ये समझ लो कि 3 साल तक तो इसकी देख रेख करनी पड़ती है, 3 साल बाद ये अपना फल देना शुरू करती है। और 3 साल में पहली साल में भी इसका 50 से 60 हज़ार रुपये का ये 3 बीघा खेत बिक गया था। अभी जो फसल दिख रही है जी, देखो ऐसा है, जब अभी तो इस पर फल लगा हुआ है तो जब हम इस फल को बेच देंगे इसके बाद फिर इसकी कटिंग वगैरह होगी, फिर हम खाद वगैरह जो भी है इसमें डालेंगे, कीटनाशक दवाई वगैरह डालेंगे, जिससे ये जो पौधा नीचे दीमक वगैरह लग जाती है, कीड़ा लग जाता है, वो ना लगे, पौधा हमारा ग्रोथ करे। ये मान के चलिए कि 40 से 50 रुपए के करीब पौधा आ जाता है और मिनिमम थोड़ा मजदूरी का खर्चा मान लीजिए ज़्यादा से ज़्यादा 100 रुपए पेड़ का खर्चा आएगा कुल लगा के। ये 3 बीघा में भी मेरा ये करीब करीब आया था मान लो 70 हज़ार करीब। देखो ऐसा है कि हमारे एक रिलेटिव वाले थे रिश्तेदार, उनके यहाँ ये बाग लगा था पहले से, तो उनके यहाँ हम गए थे तो वहाँ जाके हमने देखा कि उनका ये बाग बहुत अच्छा लगा हुआ था। हमने उनसे पूछा कि ये आपने कहाँ से लगवाया है, तो उनने कहा ऐसे ऐसे लगवाए, हम आपके लिए मंगवा देंगे। तो उन्होंने यहीं पर ला के पौधा दिया था हमें, उसके बाद हमने अपने खेतों में लगाया। पहले तो इसमें गेहूँ होता था और तो कुछ होता ही नहीं था, यहाँ पानी नहीं था और गेहूँ तो भाई थोड़ा बहुत हो गया तो हो गया, ज़्यादा 10-15 हज़ार रुपये का। मिनिमम ये मान लीजिए कि 40 हज़ार रुपये प्रति बीघा के हिसाब से ये बिक जाता है कम से कम, और ज़्यादा तो जितना पौधा बढ़ता जाएगा उतनी ही इसकी कीमत बढ़ती जाएगी।